Hi guys, welcome back to my new video and today we will learn how to make animation using HTML CSS. किसी वेबसाइट में हम कैसे एनिमेशन ऐड करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने क्रिएट किया है यहाँ पे एक एनिमेशन डिज़ाइन और जिनमें हमने ऐड किया वेब स्किल्स की फीचर्स लाइक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जावास्क्रिप्ट क्वेरी, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, HTML CSS, वर्जन कंट्रोल एंड टेस्टिंग, डिबगिंग। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसमें 6 सर्कल्स क्रिएट किया है और उन पे हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन यूज़ किया है जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट विड्थ से क्रिएट किया है हमने। और गाइस आप देख रहे हैं हमने इनमें ऐड किया है वाटर कलर और ऐड किया हमने सम ओपेसिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चलेंगे अपने रूट फोल्डर में जहाँ पर हमने CSS और HTML की फाइल को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और हमने इस फोल्डर को ओपन किया हुआ है यूजिंग कोड एडिटर ब्रैकेट्स। आप अपना कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं और इसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और हमने इसमें ऐड किया हुआ है एक्सटर्नल CSS स्टाइल डॉट CSS जिसके अंदर हमने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट फैमिली और इसको हमने ऐड किया हुआ है HTML फाइल के अंदर हेड के अंदर यूजिंग लिंक टैग href के अंदर। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको क्रिएट करने के लिए चलेंगे अपनी बॉडी टैग में। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू div जिसका क्लास नेम हम रखेंगे कंटेनर और इस div को क्रिएट करने के बाद में हम क्लास कंटेनर को कॉपी करके चलेंगे CSS फाइल में और यहाँ पे हम इसमें CSS प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे लाइक विड्थ ऐड करेंगे हम इसमें हाइट, बैकग्राउंड ऐड करेंगे। अब हम अपने कोड को रन कराने के लिए हम चलेंगे अपने रूट फोल्डर में और यहाँ पे हम HTML फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग गूगल क्रोम। आप अपना कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बैकग्राउंड कलर को ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट डिज़ाइन में। अब हम चलेंगे अपने HTML में और यहाँ पे कंटेनर क्लास के अंदर एक और इनर क्लास ऐड करेंगे जिसका क्लास नेम हम रखेंगे रो और इसके अंदर हम इनर क्लास ऐड करेंगे कॉल और इसको हम कर लेंगे 2 times डुप्लीकेट। अब हम क्लास रो को कॉपी करके चलेंगे CSS पे और यहाँ पे इसके लिए हम ऐड करेंगे CSS प्रॉपर्टीज़ विड्थ ऐड करेंगे हाइट हम रखेंगे 100 VH और इसमें ऐड करेंगे हम मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ऐड करेंगे अलाइंग आइटम्स सेंटर और लास्ट में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हम चलेंगे HTML में और यहाँ से क्लास कॉल को कॉपी करके इसके लिए भी हम CSS ऐड करेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे फ्लेक्स बेसिस 50%। अब अगेन हम चलेंगे अपनी HTML में और फर्स्ट कॉल क्लास के अंदर ऐड करेंगे हम क्लास कंटेंट और सेकेंड कॉल क्लास के अंदर ऐड करेंगे हम रैपर क्लास और रैपर क्लास में हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे 6 div जिनमें हम फर्स्ट div क्रिएट करेंगे और इसका क्लास नेम हम रखेंगे feature1 और इसके अंदर हम ऐड करेंगे h1 टाइटल, h1 फीचर नेम ऐड करने के बाद में हम इसको कर लेंगे कॉपी और इसको 6 times कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसमें क्लास नेम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली feature2 और फीचर नेम ऐड करेंगे लाइक रिस्पॉन्सिव और ऐड करेंगे डिज़ाइन, सिमिलरली feature3 और HTML H5 में ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट jQuery, इसको हम br टैग से कर देंगे सेपरेट और feature4 H5 में ऐड करेंगे वर्जन कंट्रोल, br टैग से हम इसको सेपरेट कर देंगे और सिमिलरली feature5 चेंज करेंगे H5 में जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और चेंज करेंगे feature6 लास्ट में और H5 में हम ऐड करेंगे टेस्टिंग डिबगिंग और इसको हम br टैग से सेपरेट कर देंगे। अब हम यहाँ से क्लास रैपर को कॉपी कर लेंगे और चलेंगे इसके लिए CSS ऐड करेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे विड्थ
600 पिक्सल हाइट ऐड करेंगे, 600 पिक्सल, और ऐड करेंगे हम इसमें पोजीशन रिलेटिव। अब हम अपने ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं सभी कंटेंट को डिस्प्ले कर लिया। अब हम करेंगे इनको स्टाइल। इसके लिए हम चलेंगे CSS में, HTML में, और यहाँ से फीचर वन को हम कॉपी कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे डॉट फीचर वन में विड्थ ऐड करेंगे 250 पिक्सल, हाइट ऐड करेंगे 250 पिक्सल, और ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर ज़ीरो, और ऐड करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 50%, लेफ्ट 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऐड करेंगे -50%, -50%। अब हम ब्राउज़र को रन करके चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमने फर्स्ट सर्किल क्रिएट कर लिया अपना। सिमिलरली हम अदर्स सर्किल भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए चलेंगे हम HTML में और यहाँ से क्लास फीचर टू को हम कॉपी कर लेंगे और चलेंगे CSS फाइल में, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसमें हम यहाँ से फीचर वन से कॉपी कर लेंगे विड्थ हाइट बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर को, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और हाइट विड्थ को हम चेंज कर लेंगे 240 240, और बॉर्डर ज़ीरो के बाद में ऐड करेंगे बैकग्राउंड RGBA। इसमें ऐड करेंगे ओपेसिटी 0.8, और यहाँ से पोजीशन टॉप लेफ्ट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे, टॉप में हम कर देंगे 90 पिक्सल और लेफ्ट में हम कर देंगे 80 पिक्सल। अब हम सिमिलरली अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करके चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने सेकंड सर्किल भी हमने यहाँ पे फीचर क्रिएट कर लिया। अब हम सिमिलरली अदर सर्किल्स को भी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए चलेंगे हम HTML में और इस यहाँ पे फीचर थ्री को क्लास को कॉपी कर लेंगे और चलेंगे इसमें ऐड करेंगे सिमिलरली फीचर टू से, और फीचर टू क्लास से हम यहाँ से सभी CSS प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसमें चेंज करेंगे हम हाइट विड्थ, और चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर, और चेंज करेंगे टॉप 60 पिक्सल, लेफ्ट 120 पिक्सल, और सिमिलरली इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, और फीचर थ्री को हम कर देंगे फीचर फोर, हाइट विड्थ को हम चेंज कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर लेंगे हम, और ओपेसिटी हम इसमें रखेंगे 0.5, और टॉप को हम कर देंगे बॉटम, इसको हम कर देंगे 160 पिक्सल, और लेफ्ट को हम कर देंगे 80 पिक्सल। सिमिलरली अब हम इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे फीचर फोर को कर देंगे फीचर फाइव, और इसमें हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर, और चेंज करेंगे बॉटम 80 पिक्सल, और लेफ्ट कर देंगे 225 पिक्सल, और फीचर सिक्स इसमें भी हम चेंज करेंगे हाइट विड्थ को हम कर लेंगे 130 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, और बॉटम को हम कर देंगे 160 पिक्सल, और राइट हम कर देंगे 100 पिक्सल। अब हम ब्राउज़र को रन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने सभी सर्किल को क्रिएट कर लिया। चलेंगे हम अगेन अपनी CSS में और चलेंगे स्क्रॉल अप करते हुए फीचर थ्री में, और यहाँ पे हम टॉप को लेफ्ट को हम कर देंगे राइट। अगेन हम अपने ब्राउज़र को हम रन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सभी सर्किल्स को अपने पोजीशन कर लिया। पोजीशन ऐड करने के बाद में अब हम कंटेंट्स को ऐड करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो चलेंगे हम यहाँ से HTML से H5 को कॉपी कर लेंगे, और H5 को कॉपी करने के बाद में ऐड करेंगे हम रैपर क्लास को कॉपी कर लेंगे, इससे पहले ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम कलर ऐड करेंगे वाइट,
फॉन्ट वेट ऐड करेंगे। हमने टेक्स्ट कलर को कर लिया वाइट। अब हम करेंगे इनको पोजीशन, तो इसके लिए चलेंगे अपनी सीएसएस में और यहाँ पे हम H5 के लिए ऐड करेंगे और यहाँ पे हम फीचर वन क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे H5 से पहले, और इसमें टाइप करेंगे हम विड्थ फिट कंटेंट पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम ऐड करेंगे 70 पिक्सल, लेफ्ट ऐड करेंगे 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने HTML CSS टेक्स्ट को कर लिया सेंटर सर्किल में पोजीशन। अब हम सिमिलरली सभी टेक्स्ट को हम सभी सर्किल्स में पोजीशन करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम HTML CSS फाइल से यहाँ से ऐड करेंगे फीचर 2 स्पेस H5 और फीचर 3, दोनों के लिए हम कॉमन CSS लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें हम विड्थ और पोजीशन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ऐड करेंगे इसमें टॉप 70 पिक्सल और ऐड करेंगे फीचर 2 स्पेस H5, इसमें टाइप करेंगे हम लेफ्ट 50 पिक्सल और फीचर 3 स्पेस H5 में ऐड करेंगे राइट 50 पिक्सल। अगेन हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे तो आप देखेंगे हमने टॉप सर्किल्स में हमने टेक्स्ट को कर लिया अलाइनमेंट। अब हम बॉटम में तीनों सर्किल्स को भी के टेक्स्ट को भी हम करेंगे अलाइनमेंट। तो चलेंगे इसके लिए हम H3 और H फीचर 2 और फीचर 3 को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे चेंज करेंगे इसमें फीचर 4 स्पेस H5, फीचर 5 स्पेस H5 और फीचर 6 स्पेस H5, और तीनों के लिए हम कॉमन CSS लिखेंगे। यहाँ से फीचर 1 से हम कर लेंगे कॉपी और इसमें कर देंगे पेस्ट, और बॉटम को हम चेंज कर देंगे टॉप 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देंगे -50% -50%। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने सभी टेक्स्ट को सभी सर्किल्स में पोजीशन अलाइनमेंट कर लिया। अब हम राइट साइड में ऐड करेंगे कंटेंट, कंटेंट बॉक्स। तो इसके लिए हम चलेंगे HTML में और यहाँ पे क्लास कंटेंट के अंदर चलेंगे हम और इसमें ऐड करेंगे हम H1 टैग। H1 टैग में हम ऐड करेंगे कंटेंट टेक्स्ट वेब डिज़ाइन की स्किल्स, और इसके बाद ऐड करेंगे एक HR टैग, और इसके बाद ऐड करेंगे P टैग। P टैग में हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए चलेंगे गूगल सर्च करेंगे यहाँ पे लोरेम इप्सम, और यहाँ से इसके रूट वेबसाइट पे चलेंगे हम और स्क्रॉल डाउन करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे जेनरेट लोरेम इप्सम, इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हम यहाँ पे हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लिया लोरेम इप्सम में, और यहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी HTML में P टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमें इतना टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से फ्रेंड्स इसमें से रिमूव कर देंगे टेक्स्ट, अकॉर्डिंगली जितना हमें टेक्स्ट चाहिए हम उतना रखेंगे, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक बटन, बटन नेम हम रखेंगे सो मोर और टाइप रखेंगे हम बटन। तो हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे और देखेंगे हमने कंटेंट को ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स हमने कंटेंट बॉक्स को ऐड कर लिया। अब हम इसको करेंगे स्टाइल। इसको स्टाइल करने के लिए हम चलेंगे वापस HTML में और यहाँ से हम क्लास कंटेंट को कॉपी करेंगे और चलेंगे CSS में, और इसमें हम टाइप करेंगे विड्थ 400 पिक्सल, कलर ऐड करेंगे हम वाइट और ऐड करेंगे मार्जिन ऑटो। अब हम कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और ऐड करेंगे H1 टैग के लिए, इसमें हम ऐड करेंगे फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ हम रखेंगे 38 पिक्सल
और अब ऐड करेंगे HR के लिए विड्थ ऐड करेंगे 200 पिक्सल और मार्जिन रखेंगे 30 पिक्सल 0 20 पिक्सल। सिमिलरली ऐड करेंगे पी टैग के लिए, इसमें हम ऐड करेंगे फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, लाइन हाइट ऐड करेंगे 20 पिक्सल। अब हम ऐड करेंगे बटन के लिए CSS, तो इसमें हम टाइप करेंगे पैडिंग 12 पिक्सल स्पेस 0 पिक्सल 20 पिक्सल, और बॉर्डर ऐड करेंगे 0, आउटलाइन रखेंगे नन, बैकग्राउंड ऐड करेंगे और ऐड करेंगे कलर, ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने कंटेंट बॉक्स को हमने कर लिया स्टाइल, इसके टेक्स्ट को हमने बटन को और पैराग्राफ को हम कर लिया अलाइनमेंट। H1 को वन लाइन में लेने के लिए हम चलेंगे CSS में और H1 के फॉन्ट साइज को कर देंगे 36। तो अब हमने कंटेंट बॉक्स को परफेक्टली अलाइनमेंट कर लिया। बटन पे हम ऐड करेंगे कर्सर पॉइंटर, तो इसके लिए यहाँ पे कर्सर पॉइंटर ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा कंटेंट बॉक्स अब परफेक्टली ऐड कर लिया हमने अपनी वेबसाइट में। अब हम ऐड करेंगे एनिमेशन अपने लेफ्ट साइड में सर्कल्स पे। तो एनिमेशन हम ऐड करने के लिए चलेंगे अपनी CSS में और Feature1 क्लास के अंदर चलेंगे। Feature1 क्लास में हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म के बाद में एनिमेशन प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी, और इसमें हम एनिमेशन नेम रखेंगे Feature1, टाइम रखेंगे हम 5 सेकेंड्स, लीनियर इनफाइनाइट, इसको हम कर लेंगे कॉपी। और सभी क्लासेस Feature2 Feature3 Feature4 Feature5 6 में हम ऐड कर देंगे इसको, और एनिमेशन नेम भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। Feature3 ऐड करेंगे Feature4 में, फीचर एनिमेशन नेम Feature4, Feature5 में एनिमेशन नेम, एंड Feature6 में। अब हम चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए बॉटम में, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे की फ्रेम्स। की फ्रेम्स ऐड करके हम स्पेस एनिमेशन नेम लाइक Feature1 के लिए हम ऐड करेंगे सबसे पहले, तो और इसमें हम टाइप करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 0%। 0% पे विड्थ हो जाएगी हमारी 0 पिक्सल, हाइट हमारी रहेगी 0 पिक्सल, और इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, और 7% होते ही विड्थ हो जाएगी 250 पिक्सल, हाइट भी 250 पिक्सल। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमारा एनिमेशन 0 to 100% ऑटोमेटिकली चलेगा। अब हम ब्राउज़र को जैसे कि देख रहे हैं आप, ये हमारा एनिमेशन अप्लाई हो गया हमारे सर्कल पे, और ये 5 सेकेंड इंटरवल के बाद में ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा। अब बाकी सर्कल्स पे भी हम ऐड करेंगे एनिमेशन, तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ से Feature1 को हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम फीचर की फ्रेम्स स्पेस Feature2, और इसमें ऐड करेंगे हम 0% पे ट्रांसफॉर्म, इसमें ऐड करेंगे हम ट्रांसलेट वाई -100%, और 30% पे हो जाएगा ट्रांसलेट वाई 0। अगेन हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे, अगेन हम की फ्रेम्स स्पेस Feature2 को कर लेंगे डुप्लीकेट, इसमें हम ऐड करेंगे 0% पे ट्रांसलेट 80% स्पेस -100 ट्रांसलेट 0 0, और इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट और ऐड करेंगे Feature4 के लिए, और इसमें टाइप करेंगे हम -80% ट्रांसलेट कर देंगे, और सिमिलरली Feature5 के लिए ऐड करेंगे, इसमें टाइप करेंगे हम ट्रांसलेट वाइज में हम ऐड करेंगे, और ट्रांसलेट वाई रहेगा 100, और 30% पे भी रहेगा पे रहेगा ट्रांसलेट वाई 0, और ऐड करेंगे लास्ट में
6, तो इसके लिए फीचर 4 को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसमें हम चेंज करेंगे फीचर 6, और 0% पे ट्रांसलेट रहेगा, 80% 100% और 30% पे 0 0। तो एनिमेशन हमने ऐड करने के बाद में हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमने सभी सर्कल्स पे हमने ऐड कर लिया फीचर एनिमेशन। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे सर्किल एनिमेट होके आ रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने CSS में और चलेंगे क्लास कंटेनर के अंदर, यहाँ पे हम बैकग्राउंड के बाद में ऐड करेंगे ओवरफ्लो हिडन। अगेन हम अपने ब्राउज़र को रन करेंगे, तो इस तरीके से हमने परफेक्टली अपने वेबसाइट एनिमेशन डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। HTML CSS का यूज़ करके हम इस तरीके से वेबसाइट में अपने एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू फ्रेंड्स, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।